बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर आज हम द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। सो क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो इससे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ डीएनए देखा था, क्रोमोसोम देखा था कि क्रोमोसोम्स किस किस से बना होते हैं, किस किस से बने होते हैं। सो आज हम उनकी इनहेरिटेंस की थ्योरी के बारे में बात करें जो क्रोमोसोम्स की है। सो बेसिकली ये एक्चुअली जो मेंडल का वर्क था, जो कि कह लें कि 16वीं सदी के अंदर उसने काम किया था सारा, तो वो वर्क सारा डस्टबिन में चला गया। मतलब साइंटिस्ट ने कभी गौर ही नहीं किया कि यार इस तरह जीन्स जो उनसे वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। उन्हें आइडिया ही नहीं था, उन्हें ना क्रोमोसोम का आइडिया था, ना डीएनए का, ना ही जीन्स का, सही। फिर वाल्टर सटन 1902 के अंदर, ठीक है, एक साइंटिस्ट आया वाल्टर सटन इन 1902, तो उसने कहा था कि यार कि बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स के, सही, वो ट्रांसफर होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है, दे गेट ट्रांसफर इनटू द चिल्ड्रंस, और इसके लिए क्रोमोसोम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। थ्रू जो उसमें कैरियर होंगे वो क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, सही। लेकिन लोगों को आइडिया नहीं था कि वाटर क्रोमोसोम्स बने हुए किससे होते हैं, इसमें डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ उन्हें कोई मतलब 1902 के अंदर कोई आइडिया नहीं था, सही। तो फिर हाँ, अलबत्त उन्हें ये पता था यार क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर कितने हैं, शुरू में हमने पढ़ा था दैट आर 46, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, या 23 के पेयर होते हैं, सही। तो उसने कहा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाते हैं। लेकिन इशू क्या आ रहा था, जो मेजर इशू आ रहा था बार बार, वो ये आ रहा था कि मतलब अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने मिलियंस के अंदर है, मतलब जो इंसानी खसूसियात होते हैं, मतलब आई कलर, हेयर कलर, बॉडी साइज, ठीक है, नोज शेप, आपकी बॉडी की शेप, सो इसके अलावा अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनके जीन्स, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स वगैरह। जबकि क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है, 46 है, ठीक है, जबकि मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अपनी आप खसूसियात को इनको गिन भी नहीं सकते आप, इतनी ज़्यादा खसूसियात हैं। सो हाउ 46 क्रोमोसोम्स कैरी मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, हालांकि जो मेंडल का वर्क था उसमें तो हमने कहा चलो जी एक लॉन्ग का जीन हो गया, एक शॉर्ट का जीन हो गया, एक यानी अलग अलग हमने जीन्स सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन जो जीन्स अब सॉरी जो क्रोमोसोम्स हैं वो लिमिटेड हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स जो उससे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं उसके मुकाबले में। सो ये एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा था, उसके ऊपर फिर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस, ठीक है, इसने रीडिस्कवर किया था मेंडल वर्क को, सबसे पहले तो रीडिस्कवर मेंडल वर्क, क्योंकि जो मेंडल का काम था वो 1600 में हुआ था, सो इट वाज अ वेरी मच लेट, ठीक है, बहुत पुराना काम है, और उन दिनों तो किसी को आइडिया भी नहीं था, इवन न्यूक्लियस के बारे में भी लोग नहीं जानते, लेकिन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फिर उसको नोट डाउन किया था, ठीक है, मतलब पी प्लांट्स की जनरेशन के अंदर जो अल्ट्रेशंस आ रही थी, कह लें कि इनहेरिटेड जो अल्ट्रेशन थी उसको नोट डाउन किया था, जिसमें उसके पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, आपको अभी भी याद हो जिस तरह। फिर उसके पास उसने दो लॉज बनाए थे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो एक चीज़ तो समझ आ रही थी उन्हें, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स जो से हैं वो पेरेंट्स में सेग्रीगेट होंगे, मतलब अलग-अलग होंगे, उनके पास उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। लेकिन इशू यहाँ पे आ रहा था कि यार क्रोमोसोम्स अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लाइफ के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके लिमिटेड होते हैं। सो उसके ऊपर फिर मज़ीद काम हुआ, ख़ास तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ वो टी एच मॉर्गन ने किया था, सही,
टीएच मॉर्गन, जिसे आप थॉमस हंट मॉर्गन भी कहते हैं, ठीक है। इसने 1910 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ठीक है, जिसे आप ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर भी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। सही। सो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिसका साइंटिफिक नेम भी है, और उसमें टी एच मार्गन ने क्या देखा कि एक ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जो है वो म्यूटेंट है विद वाइट आई जीन। सही, उसने देखा कि एक म्यूटेंट वाइट आई के मतलब उसे कहने के फ्रूट फ्लाई नज़र आई, या ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर नज़र आई, और उसे म्यूटेंट का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो नॉर्मल जीन से डिफरेंट थी। वैसे जो ड्रोसोफिला होती है वो रेड आई होती है, ठीक है, उसकी वाइट आई थी, मतलब उसके अंदर जो कलर था वाइट आइज़ का वो वाइट था। सही। सो उसने ये देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको कह लें कि होमोजाइगस रेड आइड फीमेल्स हैं, यही होमोजाइगस हैं, ठीक है, जबकि हेमीजाइगस वाइट आइड, इससे उसने म्यूटेंट का नाम दिया था, ठीक है। म्यूटेंट, म्यूटेंट से मुराद ये है कि मतलब इसकी जीन्स में अल्टरेशन है, जो जीन्स जो एक्चुअल जीन है वो रेड आई का है, सही, लेकिन वाइट आई जो सा ये म्यूटेंट है, मतलब उसके अंदर कलर ऑफ आइज का जीन्स मौजूद नहीं होता, सो उसे म्यूटेंट कहते हैं। तो उसने मेल फ्लाई देखी, ठीक है। खैर उसने पहली दफ़ा जब क्रॉस करवाया कह लें कि नॉर्मल फीमेल जो कि होमोजाइगस रेड आई था, रेड आई थी, उसका उसने वाइट आई मेल के साथ क्रॉस कराया, उसके पास ने देखे सारे जो इंडिविजुअल आ रहे थे, ऑल डॉटर्स आर रेड आइज, ऑल सन्स आर रेड आइज। सही। सो यहाँ तक बात ठीक थी कि चलें जो रेड आई है, ठीक है, यानी रेड आई जीन इज डोमिनेंट, ठीक है। पहले पहले क्रॉस में उसने ये चीज़ देखी कि जो रेड आई जीन है, क्योंकि क्रॉस होने के बाद बेशक वाइट आई जीन ट्रांसफ़र हुआ था आगे, लेकिन जो रेड आई जीन था वो डोमिनेंट था, ठीक है, मतलब जो फिनोटाइप आई वो रेड आई जीन की आई। सो ऑल डॉटर्स उनसे थे वो रेड आई थे, लेकिन डॉटर्स उनसे यहाँ पे कैरियर के तौर पर यूज़ हो रही, मतलब दे कैरी वाइट आई जीन्स, इस वजह से हम हेट्रोजाइगस कह रहे हैं, ठीक है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस का आपको आइडिया होगा कि मतलब होमोजाइगस से मुराद सेम जीन्स, मतलब दोनों के पास रेड आई जीन्स हैं, दोनों रेड आई जीन्स हैं, ठीक है, एक्सेस क्रोमोसोम्स पे, जबकि हेट्रोजाइगस जो है एक रेड आई है और दूसरा वाइट आई जीन है। सो फर्स्ट क्रॉस में जब उसने दोनों रेड आई जीन्स का मेल के साथ जिसके पास वाइट आई जीन है उसका क्रॉस करवाया, तो हमारे पास तमाम डॉटर्स और सन जो है वो रेड आई आए, ठीक है। तो ये सिंपल था क्रॉस, लेकिन जब उसने नेक्स्ट F1 क्रॉस F1 करवाया, सही, यानी अदर क्रॉस था जिसमें उसके पास जो कह लें कि वाइट आई कह लें कि जो ओके ये क्रॉस थोड़ा सा डिफरेंट है, हम उधर ही बना लेते हैं को क्रॉस। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि अगेन रेड आई और वाइट आई, ठीक है, हमारे पास जो हेट्रोजाइगस आए थे वो इस कंडीशन में आ रहे थे, और फॉर एग्जाम्पल इसका हम क्रॉस करवाते हैं अगेन वाइट आई मेल के साथ। सही। सो क्रॉस के बाद हमारे पास एक्स रेड आई, एक्स वाइट आई, सही, और फिर एक्स रेड आई वाई, और फिर एक्स वाइट आई, एक्स वाइट आई, एक्स वाइट आई, और ये। सो इसमें उसने क्या देखा बेसिकली, सॉरी इसमें मैं सॉरी मुझसे यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती होगी कि जो मेंडल था, सॉरी मेंडल का क्या, टी एच मॉर्गन, उसने पहले क्रॉस करवाया था मतलब होमोजेगस रेड आई फीमेल का वाइट आई मेल के साथ, यानी P1 क्रॉस P1, फिर अगेन उसने जो क्रॉस करवाया वो F1 क्रॉस F1 है, यानी हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल्स, जबकि
रेड आई मेल्स हैं, ठीक है, इनके पास रेड आई का जीन होगा। सो क्रॉस होने के बाद हमारे पास जो उनसे जीन्स आएंगे, सो पहले तो ये दोनों रेड आई होंगे, होमोजाइगस रेड, और इसके अलावा यहाँ पे एक रेड आई जीन होगा और सिर्फ वाइट आइड। सो ये सारे रेड आई में आएंगे, रेड आई की कैटेगरी में, और ये वाइट आइज आएंगे। सो उसके पास जो टोटल टेस्ट ऑर्गेनिज्म से देवर लाइक 4252, ठीक है, मतलब जो F1 कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, ठीक है, ये F1 क्रॉस F1 यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन का आपस में क्रॉस है। सो इसके अंदर उसके बाद टोटल टेस्ट ऑर्गेनिज्म थे वो 4252, और उसने देखा कि इसमें से सिर्फ 18% जो से हैं 18% जो से हैं वो वाइट आइड थे, ठीक है, और 82% जो से थे वो रेड आइड हैं। सही, तो मतलब उसके बाद रेड आई की जनरेशन कह लें वो ज़्यादा आ रही थी जबकि वाइट आई कम आ रहे थे। सही, और ये 1:3 में फिट नहीं बैठता, इट डजेंट फिट ऑन 1:3 जो कि मेंडल्स ने प्रपोज किया था। सही, सो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही थी कि मतलब अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट होने के बाद दोबारा मिल रहे हैं, तो जो रेशियो है वो मेंडल्स के मुताबिक आनी चाहिए, ठीक है, या मेंडल्स के लॉज के मुताबिक रिजल्ट्स आने चाहिए। सही, सो ये कन्फ्यूजिंग था। और दूसरा जो कन्फ्यूजिंग पार्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये कि जितने भी वाइट आई उसने देखे, ऑब्जर्व किए, वो सब क्या थे, मेल थे, यानी नो फीमेल विद वाइट आई। सो उसका फिर यानी मतलब एकदम जहन में खटका कि शायद वाइट आई या जीन कलर जो सा आई कलर जीन है वो शायद एक्स से लिंक करता हो। सही, तो यहाँ से सेक्स लिंकेज का भी स्टार्ट हुआ। सही, और फिर कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हें आइडिया होना शुरू हो गया कि यार वाकई ही मतलब इसके एक्सपेरिमेंट के बाद, अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट है इसी तरह का, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हमने क्या किया कि वाइट आई फीमेल है, ठीक है, जिसके होमोजाइगस कंडीशन में, और रेड आइड मेल, इनका आपस में क्रॉस किया, तो सारे फीमेल्स उनसे हैं वो वाइट आई आए, और मेल्स सॉरी फीमेल्स रेड आई आए और मेल्स वाइट आई आए। सही, सो यहाँ पे भी अगेन ये जो क्रॉस है ये भी इस चीज़ का आइडिया दे रहा है कि यार कि जो जीन कलर है इट इज़ समवट लिंक्ड विद एक्स क्रोमोसोम। सही, सो हमें जीन लिंकेज का आइडिया हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ था। सो जीन लिंकेज से क्या मना था कि मतलब जीन्स जो से हैं वो क्रोमोसोम्स पे होते हैं बट दे आर स्पेसिफिक ऑन क्रोमोसोम्स। सही, और जो जीन लिंकेज होती है ना, ठीक है, ये वैसे हम आगे जाके भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो जीन लिंकेज होती है इसके से जो लिंक्ड जीन्स होंगे, लिंक्ड जीन से मना जो विद इन अ सेम क्रोमोसोम होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम में बनाता हूँ, यहाँ हियर इट इज अ क्रोमोसोम। सही, फॉर एग्जाम्पल एक जीन यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। सो ये ए बी सी जो से हैं ये लिंक्ड जीन्स हैं, ठीक, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, उन पे मेंडल्स के लॉज अप्लाई नहीं होते, मेंडल लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है कि बेसिकली जीन्स आपस में लिंक होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सेग्रीगेट, ठीक है, वो अलहदा नहीं हो सकते। बेसिकली सेग्रीगेशन होती है क्रोमोसोम्स के दरमियान, मतलब क्रोमोसोम्स अलहदा अलहदा होते हैं, एक साइड पे चला जाता है दूसरे दूसरे साइड पे चला जाता है, लेकिन जो लिंक्ड जीन्स होंगे वो कभी भी सेग्रीगेट नहीं होते। सही, वैसे ये उस टाइम जब टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो ये चीज़ वाकई कन्फ्यूजिंग थी, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ क्लियर होगी कि जीन्स आर कह लें कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट थे। सही, और जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स आर हेरिटी मटेरियल, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स जो से हैं वो हेरिटी मटेरियल है, मतलब जो विरासती मादा जिसे कहेंगे, मतलब जो पेरेंट से वालदैन से आगे बच्चों में या अगले आने वाली नस्ल में मुंतकिल होता है। सही, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आर मतलब लोडेड ऑन कह लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लोडेड ऑन क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाई जाती है, मतलब क्रोमोसोम्स जो जो मतलब क्रोमोसोम्स जाएंगे उसके अंदर ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली आप जीन्स कहते हो। सही, सो जीन्स जो से थे वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं और वही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो से हैं वो हेरिटी मटेरियल है। सही, और इसके अलावा दे सेग्रीगेट, यानी क्रोमोसोम्स जो से हैं
सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, जो कि मेंडल ने भी कहा था, ठीक है, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। सो गैमेट क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, असॉर्टमेंट से क्या मतलब होता है, मतलब दे विल फ्यूज, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है, कि जब जायगोट बनेगा तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, सही। सो क्रोमोसोम थ्योरी में यही पॉइंट्स आते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स आर द हेरिटरी मटेरियल, फिर क्रोमोसोम्स के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होते हैं जो कि जीन्स की शेप में होती है, और क्रोमोसोम्स जो से हैं वो असॉर्ट पहले तो सेग्रीगेट होंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और उसके बाद जब जायगोट फॉर्मेशन होगी उस टाइम दोबारा ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, ठीक है। जिस तरह मतलब ये ऊपर क्रॉस में भी हमने देखा है कि पहले क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब हेयर इज सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे, ठीक है, और अलग अलग होने के बाद वो फिर गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन उसके बाद स्पर्म्स और एग्स बन गए ना, ये गैमेट फॉर्मेशन, उसके बाद जब इनका क्रॉस होगा ये बीच में जो चीज़ है ये कह लें कि असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, नहीं इक्वल चांसेस है हर एक के वो जाके असॉर्ट होगा, सही। सो इट वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने क्रोमोसोम्स का रोल पढ़ा एज अ हेरिटरी मटेरियल। फिर हम क्रोमोसोम्स में देखेंगे यार कि एक्चुअल क्रोमोसोम्स नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है जो सारा काम कर रहा होता है। सो हम डीएनए को डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं डीएनए और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, कि क्रोमोसोम्स के अंदर 60% प्रोटीन होती है, जबकि डीएनए कम्प्लीटली जो है वो एक सेपरेट मालिक्यूल है, जबकि जो क्रोमोसोम है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, सही। सो आगे हम डीएनए हेरिटेज मटेरियल जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।